कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, आज के लिए आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेक्चर 3 में एंटर कर रहे हैं, लेक्चर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस। लेक्चर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजन का, और मैंने लेक्चर 2 में आपको होमवर्क भी दिया था, तो मैं आज के लेक्चर में क्या क्या करना है थोड़ा सा पहले बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको लेक्चर 2 में जो होमवर्क दिया, जो मेरे पास नोट है, वो था जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तो पहली बात तो मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा आप सभी से। होमवर्क करने के बाद मैं बेटे एक नया पॉइंट आज की क्लास में बताऊंगा, जिसका नाम है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, और इसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे ब्रेक इवन पॉइंट, ये दो नए कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। दोस्तों आप एक बार सभी, पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार एक कंसेप्ट वाला पेज खोल लें, जो मैंने कंसेप्ट आपके सामने प्रिपेयर किए हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं कि आपको आने वाले दिनों में मैं इस चैप्टर को जब कंप्लीट करूंगा तो दोस्तों 44 कंसेप्ट्स हैं, 44 कंसेप्ट्स हैं, 44 कंसेप्ट से मैं आपके नॉलेज को बढ़ाऊंगा। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी क्लास में इस तरह से बायफर्केशन नहीं दी हुई। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं की, मैं ही बता रहा हूं पहली बार। तो मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में एक तो इंट्रोडक्शन करा चुका हूं, इंट्रोडक्शन कर लिया है। उसके बाद पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स, कंसेप्ट 6, 3 स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने। कंसेप्ट 7, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोजल्स। कंसेप्ट 8, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस एंड ईपीएस। कंसेप्ट 9, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग डेट इक्विटी मिक्स। मैं 9 तक बता चुका हूं, मुझे आज 10 बताना है, 11 बताना है, 12 बताना है और 13 बताना है। 4 कंसेप्ट मैं आज बता दूंगा दोस्तों, ठीक है जी। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार थ्योरी का एक बार मैं जाता हूं, आप थ्योरी को खोल ले। ये थ्योरी में मैंने क्वेश्चंस अलग लिखे हैं और आंसर्स भी अलग लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स एंड मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग डेट इक्विटी मिक्स। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया पिछली 2 क्लासेस में, फिर मैंने बताया डिस्कस द मेजर कंसिडरेशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। मतलब जब आप प्लान करते हैं किसी चीज को तो उस समय आप किसको ध्यान रखते हैं, ये बात मैंने बताने की कोशिश की। तो आइए जी, मैं मेजर कंसिडरेशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग भी बता चुका हूं पिछले 2 लेक्चर्स में। ये लेक्चर्स यूट्यूब में मैंने लोडेड अपलोडेड कर दिए हैं। क्वेश्चन 3,
What are the factors affecting debt equity mix? जैसे मैंने लिखा pros and cons of owner's fund and borrower's fund, management philosophy, market price per share, EPS, sales stability, asset structure, growth rate, cost of capital, leverages, taxation, government policy, economic condition, वगैरह वगैरह अलग अलग बातें जो हमने करनी है. पहले तीन क्वेश्चंस में करा चुका हूं, मैं आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ भी कराऊंगा. इंडिफरेंस पॉइंट या इक्विवेलेंसी लेवल या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी एक डायग्राम की अलग से कॉपी बना लीजिए. मैं अपनी थ्योरी की अपनी फेस टू फेस की क्लासेस में ये बात सब बच्चों को कराता हूं कि हम उनसे एक डायग्राम की कॉपी अलग से बनाते हैं. जितने भी डायग्राम्स मेरी बुक में हैं और जितने भी मैं क्लास में कराता हूं, आप उनको चैप्टर वाइज एक अलग से रजिस्टर में बना दें, क्योंकि आपकी जो थ्योरी आ रही है 40 नंबर की, उसमें अगर आप डायग्राम बनाकर चलते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आपके नंबर ज्यादा आएंगे. तो दोस्तों क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. कैपिटल ज्यादा हो तो क्या नुकसान है, कम हो तो क्या नुकसान है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल. फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल आज हम ये डिस्कस करेंगे. तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपके सामने मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात शुरू करूंगा. क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया था थर्ड, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ. तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार निकाल लें जिससे कि हम आगे चल पाए. बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपके सामने रख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जो आपके सामने रख रहा हूं. बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क में दिया था. द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ सनी लिमिटेड आर प्रेजेंटेड टू यू. तो आप खोल लीजिए बुक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थ्री. The following figures of Sunny Limited are presented to you. Earning before interest and tax, less debenture interest 8%, long term loan 11%, interest दिया हुआ बेटे, long term loan interest, less income tax, earning after tax, number of equity shares, EPS, market price per share, price earning ratio. The company has undistributed reserves and surplus of 20 lakhs. It is in need of 30 lakhs to pay off debentures. बेटे ये line underline कर दीजिए. इस company को 30 lakh की जरूरत है. It is in need of 30 lakhs to pay off debentures and modernize its plants. तो ये underline कर दीजिए. 30 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि इसको दो काम करने हैं, एक तो डिबेंचर रिडीम करने हैं और अपने प्लांट्स को मॉडर्नाइज करना है. इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस. अल्टरनेटिव नंबर वन, रेजिंग एंटायर अमाउंट एज टर्म लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12%. Alternative 2, raising part of the funds by issue of one lakh shares of rupees 20 and the rest by loan at 12%. तो बेटे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अभी. तो द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न बाय 2%, बट प्राइस अर्निंग रेशियो इज लाइकली टू गो डाउन टू 8 इफ द एंटायर अमाउंट इज रेज्ड एज टर्म लोन. एडवाइज द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड. ठीक है, आराम से बेटे पहले पढ़ लीजिए. पेपर में तो 5-6 बार आ चुका है, मैंने एक ही बार लिखा है बेटे.
आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री इस समय आप पढ़ रहे हैं। बेटे आराम से बेटे, इस क्वेश्चन में मैंने नोट्स भी बहुत सारे दिए। एक बात मैं बताऊं, आप किसी की बुक भी कंपेयर करके देख लें, किसी की बुक भी कंपेयर करके देख लें मेरे साथ, तो आपको एक बात मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हमारी बुक में भी हजार नई चीजें हैं जो किसी दूसरी बुक में नहीं है। ठीक है बेटे? वो बेटे मुझे कुछ याद आया इसलिए लिख रहा हूँ। अब देखिए जी, नोट वन मैंने अपनी बुक में लिखा है, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर मैंने लिखा है नाउ नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, मैंने बड़ा कुछ लिखा बेटे, बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या सबने पढ़ लिया? ठीक है बेटे, आइए हम शुरू करेंगे, शुरू करेंगे बेटे, शुरू करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और शुरू करेंगे। आप आइए, मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्ड की बात कर रहा हूं उसमें। पहली बात, इस क्वेश्चन में नोट वन लिखना है, नोट्स घर के लिए, पेपर में नहीं लिखना मेरे बेटे, नोट घर के लिए, पेपर के लिए नहीं है मेरे बेटे। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग इक्विटी प्लस एग्जिस्टिंग डेट। इक्विटी और डेट को मिलाकर एग्जिस्टिंग अगर मैं टोटल कर दूं तो बेटे यही चीज आती है एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड। बेटे यहां पर पेपर में दिया हुआ है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख शेयर्स, तो ये आ गया जी 50 लाख। प्लस एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आ गया जी 20 लाख। प्लस एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स बेटे, एग्जिस्टिंग 8% डिवेंचर्स बेटे 10 लाख आएगा आराम से। बेटे 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स कैसे आए अभी देख लेते हैं। आप बताइए, इंटरेस्ट रेट 8% है, इसका मतलब इंटरेस्ट 8 रुपए का होगा अगर कैपिटल 100 रुपए की होगी, इंटरेस्ट अगर 80,000 का होगा तो कैपिटल कितने की होगी बेटे? 80,000 इंटू 100/8 इज इक्वल टू 10 लाख। ये मैंने एग्जिस्टिंग 8% डिबेंचर्स लिखे प्लस, बेटे इसी तरह से एग्जिस्टिंग लोन भी निकाल लीजिए, एग्जिस्टिंग 11% लोन भी निकाल लीजिए बेटे, वो 20 लाख रुपए का आएगा आराम से, आराम से बेटे। पहले लिख लो ना, फिर समझाऊंगा ना बेटे। 11% का लोन है तो 11 रुपए है लोन, तो 100 रुपए का बेटे फेस वैल्यू है। और बेटे अगर 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो फेस वैल्यू कितनी होगी? 2,20,000 इंटू में 100/11 बेटे, ये आ गया 20 लाख। लो बेटे,
तो यहां लिख दीजिए एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1 करोड़। पहला तो नोट 1 है बेटे, नोट 2 मेरी तरफ से है, बुक में जो लिखे हैं वो तो लिखे ही है, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। नोट 2 मैं ये कह रहा हूं, न्यू फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 2 रीजंस, दो कारण है जिसकी वजह से नए फंड्स चाहिए। रीजन 1, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहला कारण है कि डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो दूसरा कारण है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की मॉडर्नाइजेशन करनी है। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि आपको पैसे क्यों चाहिए। मैंने कहा भैया एक तो इस वजह से चाहिए कारण नंबर 1, और एक इस वजह से चाहिए कारण नंबर 2, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी देखना नोट नंबर 3, बेटे नोट नंबर 3 न्यू रेट ऑफ रिटर्न बेटे, जो नया रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम बोलते हैं ईबीआईडी ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई कुछ भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू ईबीआईडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 बेटे इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, एग्जिस्टिंग ईबीआईडी अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, existing EBIT upon existing capital employed in 200। आराम से बेटे, बेटे ये 23 lakhs given है और ये 1 करोड़ रुपीस given है, तो बेटे आंसर आ गया जी 23% existing ROI is equal to 23%, existing ROI is equal to 23%। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्लांट मॉडर्नाइज हो जाएगा तो न्यू रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं न्यू रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 23% प्लस 2% इज इक्वल टू 25%। बेटे देख लो, न्यू रेट ऑफ रिटर्न, नया रेट ऑफ रिटर्न 25% है, न्यू रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। ठीक है जी, आराम से बेटे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। और आपके पास 2 चॉइस है जी, नोट नंबर 4 टू रेज रुपीस 30 lakhs, देयर आर two sources, there are two alternatives, दो alternatives हैं। alternative number 1,
to raise 30 lakhs by 12% लोन, 12% लोन से 30 लाख रुपए रेज करने, और दूसरा प्रपोजल है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 12% लोन। आराम से बेटे, बेटे आज कुछ तबीयत थोड़ी सी ढीली है मेरी, कोई बात नहीं बेटे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं आज भी रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मन लगाकर इन चीजों को देखें और दुनिया की सबसे पहली क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे द्वारा आपके सामने आए और आप फेस टू फेस से भी ज्यादा अच्छा समझ पाए, ऐसी मन की भावना है मेरे बेटे आपके लिए। आराम से नोट 1 से लेकर 4 तक पहले लिख लीजिए। अब ये गलती करेंगे आप इस क्वेश्चन में, वही गलती मैं बताऊंगा भैया। चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का मेन आंसर। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रपोजल 1 प्रपोजल 2। लो बेटे यहां पे लिख दीजिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 50 लाख, 50 लाख एग्जिस्टिंग, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख। बेटे आपको पता ही है पहले हम एग्जिस्टिंग लिखते हैं, बेटे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स अभी लिखिए, फिर मैं इसको कुछ कटवाऊंगा, अभी पहले आप लिखिए एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स 8% बेटे 10 लाख, 10 लाख रुपए के एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हैं, जगह छोड़ दीजिए, 11% लोन है बेटे 20 लाख। लो बेटे मुझे एक चीज बता दीजिए, आपको जो 30 लाख रुपीस की जरूरत है उसके पीछे क्या कारण है, 30 लाख क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? बेटे एक कारण है कि पुराने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, पुराने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। और दूसरा कारण है मेरे बेटे प्लांट्स को मॉडर्नाइज करना है, प्लांट्स को मॉडर्नाइज करना है, दो कारण है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। तो अब ये बताइए जब मैंने नया स्ट्रक्चर ले लिया तो ये जो पुराने डिबेंचर्स हैं ये तो बेटे रिडीम हो ही जाएंगे ना, तो इनको थोड़ी लिखना है, ये तो मैंने जान के लिखा था आपको समझाने के लिए, ये 10 लाख थोड़ी आएंगे बेटे, ये नहीं आएंगे। तो अब ये बात का ध्यान रखना, आप गलती मत करना। चलिए पहला सोर्स लिख रहा हूं जी, पहला सोर्स 12% 12% लोन 20 लाख और 30 लाख। वो कह रहे जी सारे के सारे पैसे लोन से ही ले लो, 30 लाख रुपए ले लिए जी 12% लोन से। दूसरा प्रपोजल है 1 लाख शेयर्स इशू कर दो, तो मैं लिख रहा हूं जी न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख तो यहां पर आ गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटे 10 लाख यहां आ गया क्योंकि 20 रुपए का एक शेयर है और फेस वैल्यू तो 10 रुपए होती है, क्वेश्चन में लिखी भी हुई है, और 20 रुपए में इशू कर रहे हो,
इसका मतलब जब 20 रुपए में इश्यू कर रहे हो और 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो 10 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। तो बेटे लोन से वो कह रहा है 10 लाख रुपए ले लो आराम से बेटे, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, और यहां पर आ गया बेटे 30 लाख। 10, 10 और 10, 30 लाख रुपए आपके आगे प्रपोजल 2 में, और प्रपोजल 1 में भी 30 ही है। जरा टोटल कर दीजिए और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। मेरे हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। एक करोड़ पहली थी, 30 लाख अब इशू की, और 10 लाख डिबेंचर भी तो रिडीम कर दिए, 10 लाख डिबेंचर भी तो रिडीम कर दिए, तो नेट न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बची? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख मेरे बेटे। तो पहला स्टेप मैंने आपके सामने किया और इसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर की, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अब हम क्या करेंगे बेटे, स्टेप नंबर 1 के बाद हम स्टेप नंबर 2 में चलेंगे, और हम यहां लिख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जैसा हमने बाकी सभी क्वेश्चंस में किया। तो स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। हम दोनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे आराम से बेटे। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे और जो फिगर बचेगी उसको बोलेंगे ईबीटी, फिर हम टैक्स भी लेस करेंगे ईएडी, फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे अगर होगा तो, फिर हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी लेस करेंगे अगर होंगे तो। बेटे बैलेंस जो बच जाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से भाग कर देंगे और बेटे ईपीएस आ जाएगा। बेटे ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा बेटे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। ये फॉर्मेट तो मैंने बताया था, लड़के और लड़की का कहानी भी एग्जाम्पल लेके बताया था। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 23% पुराना और नया 25%। तो बेटे वर्किंग नोट 1 लिखिए, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू 25% इंटू